the name of Allah, the Supreme Sustainer of the Universe, the Creator, the One, the Oracle, the Creator of all Prophet and His Holy Family, who is nearest our Neota, I am Sayyid Shir Abbas Bukhari. Today I am here again for the third lecture of One Word Substitution. The next word is in charge of a museum. अगर कोई बंदा इन चार्ज है किसी म्यूजियम का, म्यूजियम वो जगह होती है जहाँ पे नवादरात जो है रखी हुई होती हैं, उसको क्यूरेटर कहा जाता है। सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश, मतलब एक ऐसा बंदा जो अपनी जात के साथ जो है वो खुशियाँ वाबस्ता रखता हो, या आप कह सकते हैं सेल्फिश है, खुद गर्ज किस्म का इंसान हो, उसको इगोइस्ट कहते हैं, मतलब कि जी अनापरस्त आप कह सकते हैं। हु लव्स एवरीबॉडी, मतलब एक इंसान जो है जो किसी से मोहब्बत करता है, उसको हमने एलोट्रिस्ट भी उस दिन वर्ड में पढ़ा था, और जहाँ पे कॉस्मोपोलिशन का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। हु टॉक अ लॉट, एक पर्सन बहुत से लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, टॉकटिव होते हैं, तो उनको गैबलस जो है वो कहा जा सकता है, या टीजेड लोग होते हैं जो रबिश जो है गुफ्तगू करते हैं। A pleasant song for children to sleep, एक मतलब कि जी अच्छा सा सॉन्ग, कोई गाना, कोई गीत, कोई नज़म जो माएँ जो है अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती हैं या गुनगुनाती हैं, उसे ललाबाई कहा जाता है, मतलब लोरी के मीनिंग्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। A religious song, जैसे कोई नात है या हिंदू जो है कोई भजन वगैरह गाते हैं, तो उसको हेमिंग जो है कहा जाता है। शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसमें अम्यूजमेंट हो, जिसमें मतलब कि अच्छा लगे, जो आपको पढ़ के खुशी फील हो, उसे एनेक्डोट कहते हैं। शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, के किसी वर्ड का जो है शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिवेशन जिसे हम कहते हैं, उसको एब्रिवेटेड फॉर्म जिसे आप कहते हैं, और उसका जो है एब्रिवेशन जो है हम कह देते हैं कि ये इस वर्ड की एब्रिवेशन, जैसे CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का। साउंड कैन नॉट बी ऑडिबल, के ऐसी आवाज जो अभी ऑडिबल हो, जिसको हम सुन ना सके, उसके लिए कौन सी चीज है अनऑडिबल, मतलब कि वो हमें सुनाई नहीं दे रही। अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मतलब एक आपने डोरी है, डोरी के अंदर आपने जो दाने भरे हुए, जिसे हम तस्बीह कहते हैं, कि तस्बीह जो है वो हम पढ़ते हैं, उसके लिए रोजरी का वर्ड जो यूज होता है, तस्बीह की इंग्लिश जो है वो रोजरी है। अ स्टडी ऑफ द बॉडी, आप जिस्म की जो स्टडी करते हैं उसको, उसके लिए जो वर्ड स्पेसिफिक यूज होता है उसे फिजियोलॉजी, जैसे एनाटॉमी है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है। रिलेटेड टू द डीटीज मिथ, डीटीज कहते हैं जो ग्रीक के जो गॉड्स हैं, मतलब उनके जो खुदा हैं, देवता हैं, उनको जो है डीटीज कहा जाता है। ये मिथ्स से जो है रिलेटेड हैं, मुख्तलिफ ड्रामे इंग्लिश लिटरेचर के जो है मिथ के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करते हैं, मतलब या ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर जो है ये चीज़ें पाई जाती हैं। किलिंग वंस वाइफ, किसी की बीवी को कत्ल करने वाले को कहते हैं यूक्सोरीसाइड। एनिमल स्टोरी STORY, सॉरी विद अ मॉरल, एक एनिमल स्टोरी है जो जानवरों के जरिए जो है पहुंचाई जा रही है, कोई नावल है, कोई शॉर्ट स्टोरी है, उसको फेबल कहा जाता है। फार्म हाउस एक 1984 जो है एक नावल है, एक ड्रामा है, तो आप कहेंगे उसको भी रीड कर सकते हैं, तो वो फेबल के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। अ पर्सन पिक्यूलियर हैबिट, एक इंसान की जो है मखसूस किस्म की, खास किस्म की एक आदत है, इसे एडियोसिनक्रेसी कहा जाता है। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट, मतलब एक जगह जिसका क्लाइमेट मौसम जो है वो बहुत अच्छा रहता है, उसको सेंटोरियम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तान का एक इलाका है मरीज, तो वहाँ का जो मौसम है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, आबो हवा है, वो काफ़ी खुशगवार होती है। अ प्लेस ऑफ वॉशिंग डिशेज, एडजॉइनिंग किचन, ओके, एक जगह है जहाँ पे किचन के अंदर जहाँ पे आपने डिशेस को जो है, बर्तनों को जो है, या प्लेटों को जो है वो आप साफ करते हैं या धोते हैं, उसे स्कलरी कहा जाता है। स्कलरी SCULLER. थैंक यू सो मच, दैट इज अबाउट द टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।